हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। इस बर्फ़ी को बनाने में सिर्फ 8 से 10 मिनट का समय लगेगा और इसे आप 5-6 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहां पे 150 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी कि नारियल का बुरादा। इसके साथ ही 100 ग्राम शक्कर लेना है। 60 से 70 ml पानी लेंगे। कप से नापेंगे तो 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा। 2 छोटे चम्मच देसी घी, 3 से 4 छोटी इलायची का पाउडर और इसके साथ ही यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा लेंगे। अगर रूह अफ़ज़ा ना हो तो इसकी जगह पे दूसरा रोज़ सिरप भी ले सकते हैं। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी गरम करेंगे। घी जब हल्का गरम हो जाए इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और इसे धीमी आँच में लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए सेक लेंगे। नारियल को हमें तब तक सेकना है जब तक कि इसमें से हल्की खुशबू ना आने लगे। इसे इसी तरह लगातार चम्मच से हिलाते रहें जिससे कि ये जले ना, और फ्लेम को पूरे टाइम स्लो में रखें। करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं नारियल को सेकते हुए। अब इसमें से हल्की खुशबू आने लगी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। नारियल को सेक लेने के बाद अब इसी कढ़ाई में 100 ग्राम चीनी लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। कुछ देर के बाद जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए और इसमें हल्का उबाल आना शुरू हो जाए, इसमें हम 3 से 4 छोटे चम्मच दूध ऐड करेंगे और चीनी की जो भी डर्ट है उसे निकाल लेंगे। दूध ऐड करने के बाद अब इसमें उबाल आने दें। उबाल आने के साथ ही चीनी की जो भी डर्ट है वो ऊपर आ जाएगी और इसे हम इस तरीके से चम्मच से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपकी चीनी साफ़ हो तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। चाशनी साफ़ कर लेने के बाद अब इसे हम हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में पका लेने के बाद एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब फ्लेम को स्लो में कर लें। फ्लेम को स्लो में कर लेने के बाद अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। अगर आप बर्फ़ी में ज़्यादा चटक लाल कलर लाना चाहते हैं तो रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी को बढ़ा लें और चीनी की क्वांटिटी को इसमें कम कर लें। रूह अफ़ज़ा को मिला लेने के बाद जब इसमें हल्का उबाल आना शुरू हो जाए इसमें हम सिका हुआ नारियल ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। फ्लेम को पूरे टाइम स्लो में रखना है। नारियल को चाशनी में मिला लेने के बाद अब इसमें हम 3 से 4 छोटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद अब इसे हम धीमी आंच में 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसे हमें बर्फ़ी के सेट होने की कंसिस्टेंसी तक के पकाना है और इसे पकने में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगेगा। कुछ देर पका लेने के बाद जब मिक्सचर हल्का गाढ़ा हो जाए और ये सेट होने की कंसिस्टेंसी तक के आ जाए, फ्लेम ऑफ कर लें और इसे थाली में निकाल लें। थाली में मैंने पहले से ही घी लगाकर इसे तैयार कर लिया है। नारियल के मिक्सचर को थाली में निकाल लेने के बाद इसे चम्मच से इस तरीके से फैला लें और फिर इसे कटोरी की सहायता से इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए बराबर कर लें। मिक्सचर को प्लेट में फैला लेने के बाद अब इसे हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह रहने देते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए इसे हम नाइफ से काट लेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि जब बर्फ़ी हल्की गर्म हो तभी इसे नाइफ से काट लें।
बर्फ़ी को नाइफ़ से काट लेने के बाद अब इसे हम इसी तरह करीब 15 से 20 मिनट के लिए रहने देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडी होकर सेट हो जाएगी तब इसे हम निकाल कर सर्व करेंगे। हमारी रोज़ फ्लेवर की मज़ेदार नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। ये बर्फ़ी खाने में तो अच्छी है ही और साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।